जय श्री काल भैरव। आज इस वीडियो में आपके लिए भगवान भैरव से संबंधित, उनके श्वान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी साधकों के लिए, और जो साधक नहीं है उनके लिए भी, और जो भटके हुए साधक हैं उनके लिए भी एक जानकारी प्रद वीडियो, जिससे आपको ये ज्ञात होगा कि भगवान भैरव का जो वाहन है, सवारी है, वो श्वान क्यों है। इससे आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा, इससे आपको ये भी भाव आ जाएगा कि भगवान भैरव की सबसे प्रिय कौन होते हैं। वैसे तो भगवान भैरव के जो सबसे प्रिय होते हैं वो वही लोग होते हैं, वही साधक होते हैं जो नीति नियम से चलते हैं, गुरु के बताए मार्ग पे चलते हैं, क्योंकि उनका मार्ग बिना गुरु के बिल्कुल खंडित है, क्योंकि वो अपने निकट मूर्खों को, जड़ बुद्धि वालों को, अहंकारियों को नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। दुराचारी, पापी, धूर्त, लोभी, कामी, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। और यदि इस प्रकार के लोग अगर उनके आसपास आते भी हैं तो उनको एक बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत दंड से उनको शोभित किया जाता है। एक अकल्पनीय दंड होता है जिसकी कल्पना वो नहीं कर सकता है। यदि साधक गुरुद्रोह कर रहा है, गुरु की बात नहीं मान के चल रहा है, नीति नियम पे नहीं चल रहा है, और जो उनके, और नीति नियम क्या है भगवान भैरव के? नीति नियम वो नहीं है जो आप समाज में देख रहे हैं। नीति नियम उनके अपने स्वयं के हैं। सर्वप्रथम तो जैसे गुरु का मैं बताता हूँ, सर्वप्रथम तो वो होता ही होता है कि जब गुरु की अवहेलना, गुरु के मार्ग जो उसने बताया है उसको ठोकर मार के जाना। क्योंकि जब आप भगवान भैरव से डायरेक्ट जुड़ते हैं तो आप डायरेक्ट जुड़ जाइए, गुरु की आवश्यकता नहीं है। जो आप अगर बहुत बड़े उपासक हैं तो आप सीधे जुड़ जाइए, गुरु की आवश्यकता है। लेकिन जब आप गुरु के माध्यम से जब एक बार जुड़ जाते हैं तो उसकी बहुत पैनी दृष्टि रहती है उस साधक पे। उस साधक को भान ही नहीं होता है कि कितनी पैनी दृष्टि मुझ पर रखी जा रही है। और उस साधक के व्यवहार को, साधक के अपने व्यवहार को, यानी साधक का व्यवहार क्या होता है, जैसे मैं बार बार बताता हूँ, बिल्कुल सौम्य रहना, शांत रहना, मौन रहना, अपनी साधना से मतलब रखना, अपने जाप से, अपने ध्यान से, अपने गुरु से, अपने इष्ट से, इस पे ध्यान रखना है। दुनिया में आपके ऊपर क्या क्या आक्रमण हो रहा है उस पे नहीं, ध्यान अपनी सिर्फ साधना पे। स्त्रियों का सम्मान करना, आदर करना, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। जो साधक अपना स्वयं के ऊपर, साधना के ऊपर ध्यान होता है तो ये गुण तो स्वयं ही उसके ऊपर आ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। तो इस वीडियो में श्वान से आप ये समझ सकते हैं कि एक भैरवनाथ की सवारी क्या हो सकती है, भैरवनाथ का जो श्वान है उनको क्यों पसंद है, क्यों उस पर वो मोहित रहते हैं। और सभी साधक जो ये सोचते हैं कि भगवान भैरव की कृपा हमें मिल जाए, कृपा के भी बहुत मायने हैं। साधक, कुछ लोग कृपा सोचते हैं कि मैं सबकी फाड़ दूं तो मैं बहुत बड़ा उसका कृपा पात्र बन जाऊंगा। कुछ साधक ऐसा सोचते हैं कि उनके उनकी करुणा में, उनके प्रेम में आंसू बहाना शुरू हो जाए। कई को तो आंसू भी नहीं आते उसके प्रेम में, कुछ को आते हैं तो वो साइड अपना दो दो पॉकेट लेके चलते हैं, एक में अहंकार, दंभ, लोभ, लालच, और दूसरे में प्रेम लेके चलते हैं, ये भी उनको पसंद नहीं है। तो ये किस प्रकार से उनको रिझाएगा, किस प्रकार से मोहित करेगा, किस प्रकार से ये
सीखता है कि उसको भगवान भैरव की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है। तो सर्वप्रथम तो मैंने जैसे गुरु का बताया, वो तो सिस्टम है ही, उसको उसके जो खिलाफत में जाएगा, उसके जो अगेंस्ट जाएगा, उसको तो जैसे मैंने बताया कि बहुत बहुत एक अकल्पनीय दंड से सुशोभित करता है। और ऐसा दंड जिससे जीवन तो बर्बाद होता ही होता है, क्योंकि उसकी एक बार दंड देने के बाद इस जीवन में और कई जन्मों में तो कोई पूछता नहीं, नरक के समान ही होता है वो। तो ऐसे तो बोलने से नहीं समझ में आता है, जब वो उससे गुजरेगा तब उसको पता चलेगा पल पल कि कितने बड़े अपराध कर दिए मैंने। और ऐसे भी मैंने कितने सारे साधकों को जब मैं पूर्व जन्म में ले जाता हूँ तो पूर्व जन्म में जाकर देखते हैं उस चीज़ को कि कितनी कितनी सारी उनने पाप करे हैं, गलतियाँ करी हैं, उस समय बहुत बड़े ज्ञानी और दम्भी और अहंकारी बन के जो जो चीज़ें उन्होंने करी और बहुत सारी अज्ञानता वश करी, जिसने भी गुरुद्रोह कराया, गुरु से जो भी उनकी द्वेष था या ईर्ष्या थी गुरु के प्रति, ये सारी चीज़ें उसके रिजल्ट आगे आने वाले जीवन में मिलते हैं। पुराना तो भूल जाता है, इतना समझदार तो होता नहीं, इतना जागृत तो होता नहीं कि पुराना सारा याद करके चले। तो सोए हुआ साधक होता है, सोते सोते में सारी हरकतें करता है, फिर सोता है, फिर सोते हुए हरकत करता है, ऐसी असंख्य जन्मों भटकता रहता है। वो तो तब प्राप्ति होगी जब जब दर्शन हो जाएगा उसका। कई सारे लोग बोलते हैं मुझे काली दिखती है, मुझे शिव दिखते हैं, मुझे भैरव दिखते हैं, और उसके बाद भी तुम्हारे अंदर अगर सारे अवगुण विराजमान हैं कैसे दर्शन हो गए? मैं तो ऐसे दर्शन नहीं मानता हूँ। और कोई भी जो जो वास्तविक लॉजिकल व्यक्ति होगा, जो आध्यात्मिक दृष्टि रखता होगा, जिसको कुछ भी अनुभव होगा, वो भी नहीं मानेगा। वो भी कहेगा कि भाई कैसे दर्शन हो गए तुमको भैरवनाथ जी के, जिसमें तुम्हारे जितने भी अवगुण हैं, दुर्गुण हैं, वो और पनपते चले जा रहे हैं। इतनी महान शक्ति का अगर कोई साक्षात्कार कर दे वो तो पूरा पूरा का पूरा उड़ जाएगा, जितने अवगुण सब समाप्त हो जाएंगे, अवगुण और दुर्गुण सब समाप्त हो जाएगा, सर वही बचेगा। तो ऐसे तो लोगों की नहीं समझ में आती बात। तो एक श्वान के उदाहरण से मैं आपको बताता हूं कि श्वान को आप देखेंगे तो कैसा होता है।